तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल SH डेवलपर में। आज मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम एक इमेज एडिटिंग ऐप या आप कह सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवर ऐप का डेमो देखेंगे और उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ अब। तो ये ऐप की स्प्लैश स्क्रीन है और ये रेटस का ऑप्शन है, इसको लेटर कर देते हैं। ये यहाँ पे एक नेटिव ऐड आ गया है। तो इस ऐप में एडमोब के एड्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, पहले तो सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में हमारे पास ऐप को शेयर करने का ऑप्शन है, रेटस का ऑप्शन, मोर ऐप्स फ्रॉम अस का ऑप्शन है, फीडबैक का ऑप्शन है और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये थी हमारी सेटिंग्स ऐप की। अब हम बैक आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैमरा से फोटो क्लिक करके एडिट करने का या गैलरी से। तो मैं गैलरी से फोटो पिक कर लेता हूँ। तो अब मैं ये फोटो पिक कर लेता हूँ। तो इसकी AI ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगी इस फोटो का। तो ये देखिए कितना अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव किया है। और जैसे ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड रह गया। तो उसके लिए आप इसको स्मूथ का जो ऑप्शन है इसको फुल कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। और साथ में आप इस ऐप का कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं एडजस्ट से इस इमेज का। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, बैकग्राउंड का कलर आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये लगा दिया तो कोई सा भी आप यहाँ कलर लगा सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट इस तरह से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर कलर लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। ओरिजिनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो ओरिजिनल इमेज थी उसको आप अपने मैनुअली एडिट कर सकते हैं, मैनुअली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे लेसो टूल है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे वो एरिया जितना आपको कट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और ये देखिए वो एरिया हट चुका है। आप चाहे तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि जो सेलेक्ट नहीं किया एरिया वो कट होता है, तो उसके लिए दूसरे कट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो सेलेक्ट किया था वो बच गया और बाकी का हट गया। अब यहाँ एक रीस्टोर का बटन है, तो रीस्टोर से आप पूरी इमेज को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस कर दिए थे वो सब ये देखिए रीस्टोर हो गए हैं। अब यहाँ से आप वापस बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इसके। और यहाँ जूम का बटन है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं इमेज को। इरेज से आप मैनुअली बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। यहाँ से साइज छोटा कर लेता हूँ मैं। बहुत ही स्मूथ ऐप है और बहुत ही इजी भी है इससे बैकग्राउंड रिमूव करना। इसकी AI बहुत परफेक्टली बैकग्राउंड को रिमूव करती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाई था अभी। अब यहाँ पे मैं टिक कर सकता हूँ, मैं तो अभी रैंडमली इसको रिमूव कर दिया है। चलो हम भी बैक चलते हैं। अब इसको पहले स्मूथ कर लेते हैं। तो ये जो AI ने रिमूव किया था वो है। अब हम जो करंट इमेज है उसको फर्दर एडिट करने के लिए करंट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे अब ओपन हो जाएगी। अब हम इसमें फर्दर अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड रह गया तो उससे अब हम इरेज कर सकते हैं मैनुअली। तो इस तरह से है ये। लेसो टूल का यूज़ करके पर्टिकुलर एरिया अगर हमें कट करना हो तो वो हटा सकते हैं। फिर हम रीस्टोर कर सकते हैं इमेज को। मैंने रीस्टोर कर ली। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वापस से यहाँ और जूम कर सकते हैं। तो मैं इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। ये हमारा एडमोब का टेस्टेड आ गया सेव करने पे। तो अब सेव करने के बाद हम वापस उससे बैक वाली स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ से फाइनल सेव कर देते हैं। पहले इसको बॉर्डर को स्मूथ कर लेते हैं। अब हम फाइनल सेव करेंगे ऐप। तो सेव करने पे एडमोब का टेस्टेड आया और ये रेट का बटन आ गया, इसे लेटर करते हैं। और ये हमारी इमेज सेव हो चुकी है। तो ये आप एडिटेड इमेज देख सकते हैं, क्वालिटी भी डाउनग्रेड नहीं हुई है और बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया बहुत अच्छे से। यहाँ से आप फर्दर शेयर कर सकते हैं इस एडिटेड इमेज को। अब हम होम पे आ जाते हैं। तो ये दूसरी इमेज पिक करिए। तो ये देखिए इसका भी कितनी परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल इमेज से और एडिटेड इमेज से, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कितने अच्छे से ये वर्क कर रही है ऐप। बैक इसको भी स्मूथ कर देते हैं। इसका कलर बैकग्राउंड लगा लेते हैं अब हम और इसको सेव कर देते हैं। एडमोब का टेस्टेड आ गया। बैक चलते हैं लेटर और ये देखिए ये इमेज सेव हो चुकी है। होम पे आते हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड रिमूवर ऐप का डेमो। अगर आपको ये ऐप पसंद आई और आपको ये बाय करनी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये ऐप का सोर्स कोड कैनियन पे अवेलेबल है। हम आपको रेस्किन करके प्रोवाइड करेंगे ये ऐप।
तो अगर आपको ये बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए, न्यू ऐप आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।